बता दें भोपाल बीजेपी दफ्तर में चल रही बीजेपी की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव रोकना चाहती है। कांग्रेस पर प्रदेश में ओबीसी वर्ग को छल्ले का भी आरोप लगाया है। मैं बड़े गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं और यह केवल आरोप नहीं है, यह प्रत्यक्ष तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जब उच्च न्यायालय में प्रमोशन का विषय था तब कांग्रेस ने किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ छल किया था और अब फिर जब यह विषय आया पंचायत चुनाव का तब भी जाकर के कौन खड़ा हुआ? विवेक तन्खा जी खड़े हुए और उनको अवसर नहीं मिल जाए, यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है।